हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्रिसैंथेमम और मैरीगोल्ड की जो कटिंग्स लगाई हुई हैं मैंने विंटर के लिए, उनका रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। इनका रिपोर्टिंग हालांकि मुझे थोड़ा पहले से ही कर लेना था, लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे। अब मैरीगोल्ड में देखिए बर्ड भी बनना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन इनकी कुछ पत्तियाँ नीचे की आप देख रहे हो कि येलो हो रही हैं, क्योंकि एक ही पॉट में कटिंग्स लगी हैं काफ़ी सारी, तो रूट्स जो हैं बाउंड हो चुकी हैं और अब इन्हें ज़रूरत है दूसरे पॉट में डालने की, अदरवाइज़ ये यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे मिट्टी मैंने ले ली है पुराने गमलों की, उसमें मैंने थोड़े से DAP के दाने ऐड किए हैं, और जो हाथ में मैं दिखा रही हूँ ये है ह्यूमिक एसिड। जब भी मैं न्यू सॉइल बनाती हूँ पौधों के लिए, बेबी प्लांट्स के लिए, कटिंग्स के लिए, तो उसमें ह्यूमिक एसिड ज़रूर ऐड करती हूँ। ह्यूमिक एसिड जो है पौधों की रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, पौधों की संरचना को बढ़ाने में बनाने में मदद करते हैं, इसलिए उसे मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। साथ में कुछ और भी चीज़ें ऐड करूँगी जो कि आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे देखिए एक ही पॉट में 6-7 कटिंग्स लगी हुई हैं। इनको अब मैं क्रिसैंथेमम है जो उनको छोटे छोटे पॉट में डालूँगी, और जो मैरीगोल्ड है उनको अभी मैं थोड़े बड़े पॉट में डालूँगी। तो मिट्टी को मैंने यहाँ ज़मीन में फैला लिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फंजीसाइड। फंजीसाइड डालना ज़रूरी है ताकि पौधों की जड़ों में किसी तरह का फंगस ना लगे। वैसे भी बरसात का टाइम चल रहा है तो मिट्टी में फंगस वगैरह हो जाता है, इसी कारण से कोई भी फंजीसाइड आप ऐड करिए। मैं साफ नाम का फंजीसाइड यूज़ करती हूँ। आप अगर फंजीसाइड नहीं तो हल्दी पाउडर, दालचीनी पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैं साथ में हल्दी भी डाल देती हूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं डाला है। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इनको भरूँगी छोटे छोटे पॉट में। अगर आप बिल्कुल न्यू सॉइल ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा कंपोस्ट ऐड करिए, कोई भी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ऐड करिए, और उसके बाद उसे इसी तरह से मिक्स करके और यूज़ करें। मेरी जो ये मिट्टी है ये पुराने गमलों की है, इसमें अभी कंपोस्ट ऐड है, लेकिन दोबारा जब मैं इन प्लांट्स को दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी तब इनमें मैं दोबारा से कंपोस्ट ऐड करूँगी। अभी क्योंकि बारिश की वजह से सारी कंपोस्ट गीली है, मैं घर पे ही किचन वेस्ट कंपोस्ट जो रेडी करती हूँ वही ऐड करूँगी, तो गीले होने के कारण मैं इसमें अभी नहीं ऐड कर रही हूँ। जब थोड़ी अच्छे से धूप निकलने लगेगी तो धूप दिखा के बाद में मैं इन्हें दूसरे पॉट में जब शिफ्ट करूँगी क्रिसैंथेमम को फाइनल पॉट में, तब फिर मैं इसमें कंपोस्ट ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं अब कटिंग्स निकाल रही हूँ। आप देखिए इतना टाइटली ये बाउंड हो गया था कि ये कटिंग्स निकल ही नहीं रही थी मुझसे इजीली। काफ़ी टाइम के बाद ये निकली, और इसकी रूट्स मैं आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी डेवलप हो चुकी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये निकल आया है, और इसकी रूट्स देखिए किस तरह से जकड़ गई हैं। इसी कारण से अगर इसे हम टाइम पे ना रिपोर्ट करते तो ये जो रूट्स हैं यहीं पे बहुत सारी हो जाती, और जो प्लांट है ग्रो नहीं कर पाता और धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता, क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला, उसे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिली, इसलिए वो नहीं बढ़ता। क्रिसैंथेमम को हमें एक दो बार इस तरह से करना पड़ता है, पहले उसी कटिंग लगा के फिर छोटे पॉट में हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो इसका रूट सिस्टम है अच्छे से डेवलप हो जाए, और फिर हम इसे एक फाइनल पॉट में शिफ्ट करते हैं। तो अभी इसके साथ साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा पिंच भी करते जाऊंगी इसके टिप को, ताकि इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। और पूरा इसका रिपोर्टिंग करने के बाद अब इसे हमें वीकली, मैं इन सारे ही कटिंग्स को, प्लांट्स को वीकली फर्टिलाइज दूंगी लिक्विड फर्टिलाइज़र, ताकि इनका जो ग्रोथ है अच्छा आ पाए। लास्ट ईयर मैंने काफ़ी सारे क्रिसैंथेमम की कटिंग्स लगा ली थी, अप्रॉक्सली 50 टू 60 कटिंग्स मैंने लगाई थी, और जिस कारण फिर मैंने टाइमली उनको रिपोर्ट नहीं कर पाया, तो मेरी लगभग सारे ही प्लांट्स जो थे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाए, और मुझे जो है क्रिसैंथेमम का एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाया था। इस साल मैंने कटिंग्स लगाई हैं, लेकिन एक लिमिट में लगाई हैं, 10-12 कटिंग्स फिर भी हो गई हैं मैंने लगाई हैं, और इन्हीं को मैं अच्छे से ग्रो करूँगी, क्योंकि और भी प्लांट हो जाते हैं विंटर में, तो ढेरों वैरायटीज़ होती हैं, तो
इतने सारे प्लांट्स का केयर करना किसी भी एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बाकी काम भी हमें देखने होते हैं। इसलिए इस बार मैंने इसकी जो कटिंग्स हैं एक लिमिट में लगाई हैं, और कलर भी मेरे पास जितने थे उनमें से अब कुछ ही कलर बचे हैं। तो जब इनमें ग्रोथ आएगी, फ्लावर आएंगे, तभी पता चलेगा कि अब ये कौन से कलर हैं। और इस तरह से मैं सभी क्रिसेंथेमम की कटिंग्स को अभी जो है 1 लीटर का ये जो पेंट के डब्बे होते हैं वही है, उनको ही मैंने पेंट करके एज अ प्लांटर यूज़ करा है। इसमें मैं अभी शिफ्ट करते जा रही हूँ। जब इसकी अच्छी ग्रोथ मुझे लगेगी कि इसका अच्छा रूट बॉल बन गया है, तब फिर मैं इसे फाइनल पॉट में 8 से 10 इंच के पॉट में डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हर एक प्लांट के रिपोर्टिंग के साथ साथ मैं थोड़ा सा प्लांट को पिंच भी करते जा रही हूँ। इस तरह से ऊपर की टिप को हटा देने से साइड ब्रांचेस निकलती हैं और प्लांट बुशी होता है। जितना बुशी होगा उतनी अच्छी इनमें फ्लावरिंग होगी। यहाँ पे मैं मैरीगोल्ड की रिपोर्टिंग करने लगी हूँ अब। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स हर एक चीज़ की क्लिपिंग दिखाने की कोशिश करी है, एक एक चीज़ को बारीकी से, कि किस तरह से हम मिट्टी बनाते हैं, किस तरह से प्लांट को हम पॉट से निकालते हैं और दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं। क्योंकि ये एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप हर एक चीज़ दिखाया करो गार्डन का काम, ताकि हम भी उसे फॉलो कर सके, तभी अच्छे से समझ आता है कि किस तरह से मिट्टी बनानी है, किस तरह से डालनी है और किस तरह से प्लांट को शिफ्ट करना है। तो इस वीडियो में मैंने यही कोशिश करी है कि मैं एक एक चीज़ आपको बारीकी से दिखाऊँ। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने मैरीगोल्ड को थोड़े बड़े पॉट में शिफ्ट करा है, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। अभी रेनी सीजन में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और कुछ ही टाइम में हमें इनमें से फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक भी मैरीगोल्ड्स और क्रिसेंथेमम की कटिंग्स नहीं लगाई हैं तो अभी भी आप लगा सकते हो। इन प्लांट्स को जो है रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा मैंने पहले ही इनकी कटिंग्स लगाई है, ताकि हमें एटलीस्ट दीपावली तक इनमें से फ्लावरिंग मिल सके। क्योंकि आप देखते हो मार्केट में भी दीपावली तक गेंदे के कितने सारे फ्लावर्स आने लगते हैं, तो वो जो है टाइम से पहले ही सीड्स लगाते हैं, इनकी तैयारी करते हैं, इसी कारण से टाइमली हमें उनके फ्लावर मिल पाते हैं। तो मैंने भी कोशिश की है ताकि दीपावली तक मुझे मैरीगोल्ड के अच्छे से फ्लावर मिल जाएं। और यहाँ पे अब देखिए एक और पॉट में निकाली हूँ जिसको मैंने प्योर सैंड में लगाया था, तो इसमें भी इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी आई थी। कटिंग आप जब भी लगाएं तो सैंड में या फिर कोकोपीट में या मिट्टी में भी लगा सकते हो, सभी में आराम से कटिंग लग जाती है इस सीज़न में, रेनी सीज़न में। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सी रूट्स बनी हैं, कि जो नीचे का मैंने कपड़ा लगाया वो भी एकदम से ढक गया है। अब इनको भी मैं कर लूँगी रिपोर्टिंग, एक एक को, सारे ही प्लांट्स को रिपोर्टिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं इनमें अच्छे से पानी दे दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे ही प्लांट्स की रिपोर्टिंग करने के बाद अब मैं इनमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम प्लांट को किसी नई सॉइल में लगा रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रिपोर्ट करा है, तो उसमें पानी डालना ज़रूरी होता है, ताकि प्लांट जो है अच्छे से मिट्टी के साथ सेट हो जाए। यहाँ पे जो मैं पानी डाल रही हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पाउडर ऐड किया है। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पाउडर अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप मैग्नीशियम सल्फेट भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है तो आप सादा पानी भी दे सकते हैं, लेकिन पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं इनको वीकली फर्टिलाइज़र दूंगी, ताकि जो मेरे प्लांट हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे आ सके। इनका जो अपडेट है मैं आगे ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आप देखना चाहते हो इनका अपडेट और भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हो गार्डनिंग के, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ किसी भी टॉपिक पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय।